इस समय मैं चिची माँ देवी के दरबार में हूँ और आज एक स्टोरी को कवर कर रहा हूँ ताकि मेरी स्टोरी के माध्यम से कुछ की तो आंखें खुले, कहीं तो अंकुश लगे हमारे इन हादसों के ऊपर, कहीं तो अंकुश लगे जो हमारे चिराग बुझ रहे हैं लगातार जिला सांबा में उसके ऊपर। तो दोस्तों, इस समय मैं जिला सांबा में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं हमारी माँ चिची देवी जी के दरबार में बिल्कुल मैं खड़ा हूँ और माँ चिची देवी जी का आशीर्वाद है। आज सुबह जैसे हादसा होता है, एक बस गिर जाती है पुली के ऊपर, आज उसी की स्टोरी कवरेज में कर रहा हूँ और उसमें बच्चे घायल होते हैं और कुछ जो टीचर्स हैं वो भी घायल होते हैं और आप स्वयं अंदाजा लगाइए छोटी छोटी चोटें उनको आती हैं गिरने के बावजूद। और ये बिल्कुल माँ चिची देवी जी के दरबार के साथ में ये हादसा होता है और उस हादसे में सभी बच्चे बच जाते हैं और जो टीचर्स हैं वो भी बच जाती हैं। ये एक चमत्कार ही मैं कहूंगा माँ चिची देवी जी का। ये हादसे में जिस प्रकार बच्चे बचे हैं, जिस प्रकार टीचर्स बचे हैं, ये उनके ऊपर आशीर्वाद था माँ चिची देवी का। जिला सांबा लगातार हादसों का शिकार होता रहा है, चाहे हम बसंतर की बात करें, चाहे सौंखा मोड़ की बात करें, चाहे ठंडी खुई, चाहे राया मोड़ की बात करूं, लगातार यहां पे हादसे होते रहे हैं। लेकिन आज जो हादसा हुआ उसमें सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर में पहुंच गए और टीचर्स भी अपने घर में पहुंच गए और माँ चिची देवी जी के आशीर्वाद से वो सब खुशी मंगल अपने घर में जाते हैं। लेकिन इन हादसों से बचने के लिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा, अपने सड़क विभाग से कम इन पुलियों के ऊपर सेफ्टी वाल्व बनाइए। हम जानते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ये मार्ग हैं बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे, लेकिन इन मार्गों को हासिल करने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं हमारे नौजवानों ने, बहुत सारे घरों के चिराग बुझे हैं। आखिरकार हमें भी अपना थोड़ा बहुत जिम्मेदारी इसके लिए समझनी चाहिए और इन पुलियों के ऊपर सेफ्टी वाल बनानी चाहिए ताकि आने वाले राहगीर, आने वाले ड्राइवरों को पता लग सके आगे गड्ढा है, आगे खाई है। दोस्तों, इस समय मैं चिची माँ देवी के दरबार में हूँ और आज एक स्टोरी को कवर कर रहा हूँ ताकि मेरी स्टोरी के माध्यम से कुछ की तो आंखें खुले, कहीं तो अंकुश लगे हमारे इन हादसों के ऊपर, कहीं तो अंकुश लगे जो हमारे चिराग बुझ रहे हैं लगातार जिला सांबा में उसके ऊपर। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।